13 फरवरी 13 फरवरी के दिन में जो फ्रंट लीजेंड का सिग्नल आया हुआ था उसके एवज में मैं एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि उनके एनालिसिस के अनुसार अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आज के दिन आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है वो 21,000 21,000 में जो मान के चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 13 फरवरी यहाँ डेट स्टार्ट है। ये वेल ट्रेंड जो है एजुकेटर है जो भी है ये सक्सेसफुल एक तरह से देखा जाए ट्रेड मेरे अंदाज में मेरे नज़र में है। तो इनके अनुसार अगर मैं ट्रेड लूँगा तो 10% लेने में मुझे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैंने 10% के आधार पर ट्रेड लेके देखा है तो बहुत सारे केस लॉस हुआ है। आज फिर मैं 10% के आधार पर ही ट्रेड लूँगा और पहला एक स्टेप पार्टिकल को मैं यूज करूँगा। तो 2100 यहाँ पे है तो मैं ये मान के चला कि मेरे पास जो इनिशियल बैलेंस है वो है 2100 है। तो 21,000 में मान कर चलता हूँ और मैं पहला ट्रेड लूँगा 2100 रुपये का, ठीक है। तो पहला ट्रेड जो मैंने 2100 का अगर लिया लिया रहा था पहला ट्रेड 2100 का, तो ये मेरा क्या है एम टी जी हुआ। 2100 एम टी जी बोलने का मतलब मेरा क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आप 2100 रुपया जो है पहला ट्रेड 2100 रुपये के लिए तो पहला ट्रेड आप हार गए 2100 रुपये। अब आपका बैलेंस कितना हो गया है 18,900। दूसरा ट्रेड क्या है इसका 2 गुना करेंगे, ठीक है। 2100 का एक स्टेप मार्टिंगल के लिए 2100 का 4200 हुआ। अगर ये मेरा विन होता है, हालांकि ये एम टी जी विन हुआ, तो विन होने के बाद मेरा जो अब बैलेंस हो गया वो कितना हो गया 3780 रुपये मेरा इसमें जुड़ जाएगा। तो प्लस इसमें मैं क्या कर दूंगा प्लस कर दूंगा 3780, ठीक है। 21,000 से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ और पहला मार्टिंगल के बाद मेरा जो बैलेंस हो जाता है वो हो जाता है 22,680 रुपये, ठीक है। दूसरा दूसरा अगर मैं ट्रेड लेता तो दूसरा भी 2100 का ही लिया है और वो भी एम टी जी ही हुआ है। तो 2100 का एम टी जी का बोलने का मतलब कि यहाँ मैं सबसे पहले क्या करूँगा 2100 रुपये में यह माइनस कर दूंगा जो चूँकि मेरा 2100 का लॉस हुआ है। यहाँ पर मेरा बैलेंस कितना बच गया 20,850 580 रुपये। मेरा बैलेंस था कितना 21,000 रुपये। फिर मार्टिंगल हुआ इसका मतलब 4200 का मैं ट्रेड लूँगा तो मेरा इतना प्रॉफिट आएगा वो एम टी जी विन हुआ, तो इसमें मेरा प्लस हो जाएगा 3780 रुपये। 21,000 से जो इनिशियल बैलेंस स्टार्ट हुआ था अब जो बैलेंस भर के हो गया है वो हो गया 24,360 रुपये, ठीक है। अगला अगला मैं 3200 रुपये का जो है अप लिया गया ये 6600 हुआ। तो 3200 का अप लेने का मतलब क्या हुआ कि 3200 लेते अगर तो मेरा जो हमको पैसा वापस मिलता वो मिलता 2880 रुपये का प्रॉफिट होता, इससे मैं 2880 रुपये जोड़ देता हूँ। 21,000 था बैलेंस, अब बैलेंस भर के कितना हो गया बैलेंस भर के हो गया 27,240 रुपये, ठीक है। अगला ट्रेड देखते हैं, अगला ट्रेड फिर 2700 का ये एम टी जी रहा। अगला ट्रेड में अगर 2700 लेता तो 2700 का पहले ट्रेड में हार था, अगर इनके अनुसार से मैं ट्रेड लेता तो ये 2700 रुपये में हार था। अब देखिए 21,000 के आसपास ही मैं घूम रहा हूँ 24,000। फिर अगला ट्रेड मेरा विन हो गया एम टी जी है, चूँकि यहाँ पर देखिए एम टी जी विन हुआ है तो 2700 गुना 5400 अगर 5400 का मेरा विन होता तो मैंने जो प्रॉफिट आता वो कितना आता 4,860 रुपये 4,860 रुपये। 21,000 शुरुआत किया था, मेरा बैलेंस हो गया 29,400 रुपये, ठीक है, ट्रेडिंग लेजेंड के सिग्नल के आधार पर। अगला 3200 का फिर मैंने ट्रेड लिया, अगर 3200 का मैं फिर ट्रेड लेता, ठीक है, तो 3200 का पहला ट्रेड मैंने क्या होता वो लॉस होता क्योंकि एम टी जी लिया है 3200। तो मेरा जो है बैलेंस हो जाता 21,000 था 21,026,000, लेकिन चूँकि एम टी जी हो गया है तो 3200 क्या जो एम टी जी अगर वे लॉस होता तो मैं 6400 रुपये लेता। 6400 लेने का मतलब अगर मेरा विन होता तो मेरा हो जाता 5,770 रुपये 60 रुपये इसमें जुड़ जाता, तो 5760 मैं इसमें जोड़ देता हूँ। 21,000 से 31,960 रुपये बैलेंस, क्या बात है। आज का दिन जो है इनका सिग्नल काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। अगला कैंडल भी उन्होंने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में बोला वो 6600 बोला, तो चूंकि इसमें अमाउंट नहीं बताया तो मैं इसका जो है 10% लूँगा तो 3,190 रुपये का मैं अगर ट्रेड लेता या 3200 का मैं लेता, ठीक है, तो 3200 का अगर मैं लेता जीतता 2.9 जो मेरा इसमें 2880 और जुड़ जाता, तो 2880 मेरा जुड़ जाता। 21,000 से मेरा बैलेंस कितना हो गया है 34,840 रुपया, ठीक है। देखिए आज का कितना बढ़िया ट्रेड रहा, आज का रेट इतना अच्छा रहा कि आपका 21,000 अगर कैपिटल से आप जो ट्रेड करते हैं और इनके सिग्नल के आधार पर करते हैं तो आपका जो है 34,040 रुपया हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।